हाय फ्रेंड, वेलकम टू एक्स्ट्रा कैन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कैनन के जो प्रिंटर होते हैं जी सीरीज मॉडल, उसमें आप कैसे ही बोथ साइड प्रिंटर कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑटोमेटिक नहीं है, बट आप इसे मैनुअली कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरह से आपके पास कोई भी पीडीएफ या फिर वह एमएस वर्ड में लिखा हुआ जो रहता है। दोस्तों, टोटल मेरे पास अभी यहाँ 4 पेजेस हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस, आपको क्या करना है, सिंपली इसको बोथ साइड प्रिंट करने के लिए, दोस्तों बोथ साइड प्रिंटिंग करना काफ़ी ईजी है जो आपके कैनन सीरीज़ के कोई भी मॉडल है। दोस्तों, जी सीरीज़ में देख सकते हैं, मेरा जो मॉडल है दोस्तों 2012 है, तो ये मॉडल में मैंने बोथ साइड प्रिंटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आपके पास कोई भी पीडीएफ या फिर एमएस ऑफिस में जो भी लिखा हुआ है, जैसे आपके पास एक से अधिक पेजेस हैं, तो आप इसे बोथ साइड प्रिंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, बोथ साइड प्रिंट में जो सेटिंग है दोस्तों, वो सेट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपका जो है एक ही पेज में डबल साइडेड प्रिंटेड होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये ऑटोमेटिक नहीं है जो बाकी मशीनों द्वारा, बाकी प्रिंटर के जैसे, तो इसे आपको मैनुअली करना होगा, बट ये बोथ साइड प्रिंट कर लेता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है प्रिंट में जाना है, और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू में एक बार चेक कर लेना है आपका। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं सारे पेजेस, जो आपके जो सारे पेजेस हैं दोस्तों सही है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा कैनन का है दोस्तों, मैं कैनन का सीरीज सेट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में एक बार आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको दोस्तों, अगर आपको कलर फ़ोटो चाहिए तो आपको यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो दोस्तों, आपको ग्रे स्केल पर चेक कर लेना है दोस्तों इसे एक बार। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको पेपर क्वालिटी कैसी चाहिए, हाई या स्टैंडर्ड, तो आपको ये सेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, चलते हैं प्रिंट पेपर साइज पर। यहाँ पर अपना पेपर साइज सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मेरा A4 है दोस्तों, मैं यहाँ A4 सेट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एक छोटा सा जो एडिशनल फीचर्स है दोस्तों, यहाँ पर डबल प्रिंटिंग लिखा है दोस्तों मैनुअली, तो इसे एक बार आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है, देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए। तो इसे आपको एक बार चेक कर लेना है अगर आपको वो साइड प्रिंटिंग करना है। तो दोस्तों, चलिए कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है, और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पर आपको कितने कॉपीज चाहिए, तो यहाँ से आप बड़ा घटा सकते हैं। मुझे सारे पेजेस के एक एक कॉपी चाहिए, तो मैं एक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपली ओके पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आने के बाद, उसके बाद आपको और एक बार ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, और तो वहाँ आपका फ़ोटो जो प्रिंटर है दोस्तों, प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वहाँ मशीन में प्रिंट होना शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये एक आ चुका है। इसके बाद तीसरा जो आएगा, ये तीसरा आ चुका है दोस्तों। सिंपली क्या होता है दोस्तों, आपको एक और तीन आते हैं, जो ईड, इवन और ओड जैसे पेज होते हैं दोस्तों, एक के बाद एक छोड़ कर आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने जो डेस्कटॉप पर देख सकते हैं, यहाँ कुछ सेटिंग्स आ चुके हैं। तो आपको भी सिंपली यही प्रोसीजर करना है। तो पहला है दोस्तों, चेक दी सी फर्स्ट साइड दी विन प्रिंटर। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट साइड प्रिंट हुआ है, और जो इसके बैक साइड प्रिंट होना है दोस्तों, वो अभी बचा हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिवर्स करके दोस्तों पेज को, डॉक्यूमेंट को इस तरह से रख देना है दोस्तों, थर्ड वाले जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम भी वैसा ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमें इस तरह से इसको पकड़ना है, एंड इस तरह से, एंड इसे एक बार रोटेट कर लेना है दोस्तों। कैसे करना है, इस तरह से एक बार रोटेट कर लेना है। उसके बाद सिंपली इसे हमें इस तरह से इसे रख लेना है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, चाहे आपके 2 पेज हैं या 200 पेज हो, आपको सिंपली यही प्रोसीजर आपको करना है। और उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, स्टार्ट प्रिंटिंग पर एक बार प्रेस कर लेना है। तो दोस्तों, चलिए कर देते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वाले पेज पर उसके पीछे सेकंड आएगा, और थर्ड सेकंड वाले पेज के पीछे फोर्थ आएगा। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इजी था। ये फर्स्ट वाले पेज है दोस्तों, और ये इसी के पीछे जस्ट आपका 2 पेजेस आया है, एंड ये सेकंड पेज है जिसके थर्ड एंड फोर आया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी इजी था बोथ साइड प्रिंट करना, और काफ़ी फास्ट तरीके से आपका ये हो जाता है। अगर आप सिंगल पेजेस एक एक बार करते रहेंगे,
तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा आपका दोस्तों। इससे टाइम बचाने के लिए दोस्तों बोथ साइड प्रिंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों ये जो फीचर्स है आप ज़रूर सीख लीजिएगा, ये आपके फ्यूचर में कभी भी काम आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप किसी भी प्रिंटर से रिलेटेड आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।